वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ सेशन एंड टुडे इज अवर डे 5 और पार्ट 5 ऑफ अवर मैथ्स लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न और वी स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी थी स्टूडेंट्स? यस, 4 प्रॉपर्टीज देखी थी। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो थी, अगर आपको गिवन सम है उसके अगर जो नंबर्स दिए उसकी अगर ऑर्डर भी चेंज की आपकी, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है यस ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स। अब ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स क्या है? अगर आप एडेंट्स को अगर यस 3 और 3 से ज्यादा आपको एडेंट्स दिए तो उनकी सम क्या रहेंगी? अगर आपने उसका ग्रुपिंग करके भी उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो उसकी सम क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। और आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है स्टूडेंट्स? यस, कोई भी एग्जाम्पल में या गिवन नंबर में आपको जीरो ऐड करना है। यस, अगर जीरो ऐड करोगे आप गिवन नंबर में तो आपका आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा इटसेल्फ। अब आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो है प्रॉपर्टी ऑफ वन। द सम ऑफ एनी नंबर एंड वन इज ऑलवेज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर में अगर आपने वन ऐड किया होगा तो आंसर आएगा आपका उसका सक्सेसर या फिर उसके आगे का नंबर। ये थी स्टूडेंट्स आपकी 4 प्रॉपर्टीज और ये 4 प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड आपकी एक्सरसाइज है 2.2। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.2। यस, अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या करना है आपको? यस, ये ब्लैंक्स जो दिए वो आपको फिल करने, लेकिन ये कैसे फिल करने? आपको सॉल्व करके फिल करने। सो स्टूडेंट्स पहले हम इसे सॉल्विंग करेंगे फिर आपको फिल करने, लेकिन ये आपको किसमें? नोटबुक। यस, नोटबुक में आपको इसे राइट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट हियर। यस, एक्सरसाइज 2.2 क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। सो स्टूडेंट्स अब ए है क्या है? 1,32,423 प्लस 2,35,347 इज इक्वल्स टू 2,35,347। स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर्स को देख के आपको क्या लग रहा है? यस, ये क्या की है? इसकी जगह क्या की है? इंटरचेंज की है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यही नंबर आएगा। तो आपको ये नंबर यहाँ पे राइट अप करना है, 1,32,423। सो स्टूडेंट्स देखो ये यहाँ पे, यस यहाँ पे है, तो ये आपका ब्लैंक है। मतलब क्या है? ये आपकी ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही, इन दोनों की सिर्फ यहाँ पे प्लेस चेंज हो गई है। अब बी है जो आपको होमवर्क में करना है, ये है सी, 3,42,627 प्लस डैश इज इक्वल टू 3,42,627। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? यस, एक नंबर दिया है, यहाँ पे डैश दिए, इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू के बाद कुछ आंसर आया है लेकिन उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? अगर ये नंबर में आप क्या ऐड करोगे तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। यस, यू हैव टू ऐड हियर जीरो, जो कि आपकी जीरो प्रॉपर्टी। ये आ गया इसका आंसर। बी और डी आपको होमवर्क पे करना है, ई हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? यस, 5,62,456 प्लस ब्रैकेट में क्या दिया इन्होंने? यस, 56,234 प्लस 3,45,256 इज इक्वल्स टू 5,62,456 प्लस डैश प्लस 3,45,256। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है? यस, सिर्फ ब्रैकेट क्या किया है? 56,234 आपका ये ब्लैंक आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर सेकंड क्वेश्चन। कौन सा है सेकंड क्वेश्चन? यस, आपको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस ऐड द फॉलोइंग एंड कंपेयर द सम। क्या करना है? यस, आपको क्या करना है? उसे क्या करना है? ऐड करना है दिए गए नंबर्स को और उन्हें क्या करना है? यस, कंपेयर करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 22,456 और दूसरा दिया है आपको 27,456 प्लस 22,447। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे? पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, उसका क्या आंसर आता है वो देखना है।
फिर इन दोनों को ऐड करना है, इसका क्या आंसर आता है ये देखना है, फिर इन दोनों के आंसर्स का आपको क्या करना है, यस कंपैरिजन करना है। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ पे नोटबुक है, मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आप जब नोटबुक में एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, साइड में यहाँ पे क्या करना है आपको, यस एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो आपका रफ कैलकुलेशन लाइन ड्रॉ करके आपका रफ कैलकुलेशन यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स कैलकुलेट हियर। ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो चलो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे यस स्टूडेंट सेवन प्लस सिक्स सो स्टूडेंट सेवन प्लस सिक्स इज थर्टीन वन कैरी फाइव प्लस फाइव इज टेन टेन प्लस वन इज इलेवन वन कैरी फोर प्लस फोर इज एट एट प्लस वन इज नाइन टू प्लस सेवन इज नाइन एंड टू प्लस टू इज फोर। सो क्या है आपका आंसर यहाँ पे, यस यहाँ पे आप पहले नंबर सेट करना है आपको, प्लस 27,456। क्या आया स्टूडेंट्स का आंसर, इज इक्वल्स टू 49,913। ये हो गया आपका एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट में सेम इसका ही आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने अगर एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो सिर्फ यहाँ पे क्या किया, यस नंबर्स को इंटरचेंज किया है, इसका आंसर भी अगर आप ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ इसको क्या करना है, राइट डाउन कर लोगे 56 प्लस 22,457। क्या आएगा इसका आंसर, यस 49,913। तो स्टूडेंट्स देखो इसको आप जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यस आंसर क्या मिला इसका, सेम मिला, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, यस अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब इन दोनों के अगर हमने प्लेस भी चेंज किए तो आपको आंसर क्या मिले, सेम मिले। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अवर सी क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स लेट्स रीड 2,60,357 प्लस 2,48,486। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको क्या दिया है, यस यहाँ पे इसको क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है, प्लस 2,20,567। ये हो गया आपका एक एग्जांपल। दूसरा दिया है इन्होंने 2,60,357 प्लस 2,48,486 प्लस 2,20,567, ये दिया है इन्होंने अलग ब्रैकेट में। स्टूडेंट्स इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है आपको अच्छे से, और बाद में इसका क्या करना है, आंसर्स का कंपैरिजन करना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट हियर। देखो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा जो एग्जांपल है ऊपर का वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में राइटअप कर लिया है। सो स्टूडेंट्स देखो पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना है जब आपको ग्रुपिंग दिया हो एडेंट्स की तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व हियर। क्या दिया उन्होंने, 2,60,357 प्लस 2,48,486। सो स्टूडेंट्स यस 7 प्लस 6 इज 13 वन कैरी 8 प्लस 5 इज 12 8 प्लस 5 इज 13 13 प्लस 1 इज 14। सो ये वन कैरी, 4 प्लस 3 इज 7 7 प्लस 1 इज 8 0 प्लस 8 इज 8 4 प्लस 6 इज 10 वन कैरी 2 प्लस 2 इज 4 4 प्लस 1 इज 5। क्या है आपका आंसर, यस 5,088। यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी 5,088,43। यह आया आपका आंसर, मतलब क्या आंसर, 5,08,843। ये हो गया, ये ब्रैकेट का आंसर हो गया ये। अब स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है ये वाला ही आपको एज इट इज यहाँ पे सेकंड स्टेप में राइट अप करना है, बराबर। अब इसको क्या करना है, ये स्टूडेंट अब सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ पे नीचे राइट करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टू लैख 20,567। तो इसे हम क्या करना, ऐड करना है स्टूडेंट्स। देखो 7 प्लस 3 इज 10 वन कैरी, 6 प्लस 4 इज 10 10 प्लस 1 इज 11 वन कैरी, 8 प्लस 5 इज 13 13 प्लस 1 इज 14 वन कैरी, 8 प्लस 1 इज 9 2 प्लस 0 इज 2 5 प्लस 2 इज 7। क्या है स्टूडेंट्स इसका आंसर, यस 72 9 4 1 0।
7,29,410 ये आ गया इसका आंसर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका सिर्फ ऊपर का कैलकुलेशन। अब आपको करना है यस क्या करना है आपको करना है सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट स्टेप इज 2,60,357 प्लस 2,48,486 प्लस 2,20,567। स्टूडेंट्स पहले हमें क्या करना है यस ब्रैकेट राइट अप करना है। तो ये नंबर को आपको एज इट इज नीचे के स्टेप में लिखना है। सो 2,60,357 एज इट इज लिखकर इन दोनों को कैलकुलेशन करके आपको उसका आंसर नीचे राइट अप करना है। सो लेट्स कैलकुलेट हियर 6 + 7 इज यस 13 1 कैरी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 8 + 6 इज 14 + 1 इज 15 1 कैरी 5 + 4 इज 9 + 1 इज 10 1 कैरी 8 + 1 इज 9 4 + 2 इज 6 और 2 + 2 इज 4 क्या आंसर स्टूडेंट्स 4,69,053 यस क्या आंसर 4,69,053 ये आपका आंसर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का आपको क्या करना है एडिशन करना है। तो यहाँ पे हम इसकी एडिशन करेंगे देखो 2,60,357 प्लस क्या है यहाँ पे यस 4,69,053। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है 7 + 3 = 10 1 कैरी 5 + 5 इज 10 + 1 इज 11 1 कैरी 3 + 1 इज 4 0 + 9 इज 9 6 + 6 इज 12 हियर इज 1 कैरी 4 + 2 इज 6 6 + 1 इज 7। सो स्टूडेंट्स क्या है हमारा आंसर यस 7,29,410। अब जरा देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पे यस ऊपर का जो आंसर है ये वाला और ये नीचे का ये आंसर क्या आया आपका सेम आया। इसका मतलब आपकी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है यस ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स की। आप कैसे भी ग्रुप कर लो एडिशन करो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे यस सेम आएगा। सो स्टूडेंट्स टुडे जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और क्वेश्चन नंबर टू के एक्सरसाइज 2.2 के वो आपको क्या करना है होमवर्क में सॉल्व करना है। इसी के नीचे ही आपको आपके क्लासवर्क नोटबुक में आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर थैंक यू।